हाय मॉम्स, हाय एवरीवन। आज की जो रेसिपी है खासकर बच्चों के लिए लेके आई हूँ। अगर बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप सूजी का हलवा बनाइए, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डालिए और अपने बच्चे को खिलाइए। ड्राई फ्रूट से क्या होगा, बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और आप इस प्रकार से हलवा बना के खिलाते हैं तो बच्चे ड्राई फ्रूट्स खा भी लेते हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। इसको बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। मैंने सूजी का हलवा बनाने के लिए 1 चम्मच गाय का देसी घी लिया है और मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करूंगी। तो मैंने 4 से 5 काजू, 4 से 5 बादाम, 4 से 5 अखरोट, थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से खसखस दाने लिए हैं। अब मैं यहाँ पे काजू, बादाम, अखरोट इनको पहले रोस्ट कर लूंगी। जब इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फिर किशमिश डालूंगी, क्योंकि किशमिश जो है बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती हैं, तो आपको जस्ट बाद में ही कुछ सेकेंड के लिए उनको रोस्ट करना है। देखिए अब मैंने बाद में ऐड किया है, मैं यहाँ पर कुछ सेकेंड के लिए चलाऊँगी और बाकी फिर इनको निकाल लूँगी। इनका कलर चेंज हो गया, सुनहरा कलर आ गया। मैंने इन सब ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में निकाल लिया। अब मैं इसमें खसखस दाने डाल रही हूँ। खसखस दाने जो हैं बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, तो मैं इनको सूजी के साथ रोस्ट कर लेती हूँ। तो खसखस दानों का कलर थोड़ा ही चेंज हुआ, फिर मैंने इसमें सूजी डाल ली है। अब यहाँ पर सूजी और पानी का रेशो हमको कैसा रखना है कि अगर हमने 1 कप सूजी ली है तो हमको 3 कप पानी लेना है। देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो गया, थोड़ा गोल्डन सा कलर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर शुगर डाल दूँगी, तो शुगर मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ, 1 से 1.5 चम्मच डाली है। मैं मेरी बच्ची को ज़्यादा मीठा नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि अगर हम अभी से बच्चों को ज़्यादा मीठा खिलाने की आदत डालेंगे ना, तो उनको हमेशा ही मीठा चाहिए रहेगा, उनको आदत लग जाएगी। अब मैं यहाँ पे पानी ले रही हूँ, तो पानी मैं 3 कटोरी लूँगी। तो अगर ये अभी मेरी बच्ची 2 ईयर्स की है, इसलिए मैं ये कंसिस्टेंसी रख रही हूँ, मतलब ना ही ज़्यादा नरम ना ही ज़्यादा कड़क, मतलब कंसिस्टेंसी मीडियम रख रही हूँ। अगर आप 1 ईयर के बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप सेमी लिक्विड रखिए, पानी ज़्यादा डालिए, क्योंकि बच्चे थोड़ा हार्ड नहीं खा पाते हैं, फिर उनको थोड़ा सेमी लिक्विड बना के देना पड़ेगा। और फिर वहाँ यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के बाद मिक्सर में पीस के बारीक करना पड़ेगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको मिक्सर में पीस के रख लीजिए ड्राई फ्रूट्स, और जो भी खाना बना रहे हो, हलवा बना रहे हो, जो भी दे रहे हो, उसमें ड्राई फ्रूट डाल के खिलाइए। तो इस रेसिपी को बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। और ये मैं कब बनाती हूँ, मेरी बेबी को 12 बजे रात में भूख लगती है तब मैं उसके लिए बनाती हूँ। इसको बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। और मैं ये कब बनाती हूँ, एक रीज़न ये भी है, जिस दिन अगर उसने ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए हैं तो मैं हलवा बनाती हूँ और हलवे में सारे ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, तो वो हलवे के साथ सारे ड्राई फ्रूट्स खा लेती है। चलिए आप ये रेसिपी घर पे ट्राई कीजिए, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आपके बच्चों के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये हलवा बनाइए, घर पे ट्राई कीजिए, और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।